हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए आज कितना मतलब अंधेरा हो गया है। सुबह होते ही इतना ज़्यादा फोग कोहरा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुँह में से देखिए कितनी ज़्यादा भाप निकल रही है। और मैं आई हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पर। 8 बज चुके हैं सुबह के। मैंने सोचा आज यहाँ की क्लीनिंग करते हैं। कई दिन हो गए हैं यहाँ पर क्लीनिंग किए हुए, क्योंकि जगह जगह बच्चों ने जो है कूड़ा कर रखा है। देखिए उस कोने में मूँगफली के छिलके पड़े हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर काम करते हैं तो दोनों बच्चे आ जाते हैं, दोनों हमारे नटखट, यानी कि आरुष और आरुषि, और तीसरे में नाम जुड़ जाएगा नंदिनी का, जब नंदिनी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मतलब बिस्तरा पड़ा हुआ है इस बेड पे, फिर भी उन्होंने एक और बिस्तरा डलवाया, गद्दा डलवाया, एक रजाई डलवाई। और यहाँ पर देखिए ये खिलौने पड़े हुए हैं, अब मैं इन्हें संगवाऊंगी और यहाँ पर क्लीन करूँगी। ऐसे ही पूरे कमरे को वो दोनों अस्त व्यस्त कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी बोलो कि बेटा कमरा गंदा नहीं करते हैं तो बोलते हैं और क्या करेंगे हम। मैंने कहा ये भी बात ठीक है, और क्या करोगे आप? अगर स्कूल जाते तो स्कूल में किताबें कुछ तो सीखते थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें, ये साल तो ऐसे ही निकल गया। नहीं तो 3 साल के बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और इसने अपने सारे टॉयज, सारे तो नहीं कहूँगी, कुछ नीचे पड़े हैं, कुछ यहाँ पर पड़े हैं जो कल लेकर आया था एक पोलोथीन में भर के, उससे ही उसने बोला था मम्मी इन्हें ऊपर रख दो, ये यहाँ पर टूट जाएंगे। तो मैंने कहा चल भाई नीचे टूटते हैं तो छत पर ले चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना सारा काम बढ़ा देगा आज मॉर्निंग का, नहीं तो मुझे इस टाइम जो है सुबह के कामों से, जो है नीचे के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने सोचा चलिए अभी तो मॉर्निंग टाइम है, अभी बच्चे भी नहीं उठे हैं, बस गुड्डू उठी है। गुड्डू को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, कैमरामैन गुड्डू है, अभी वो फ्रेश होने के लिए चली गई है और आ जाएगी तो तब मैं अपना काम शुरू करूँगी और यहाँ पर ये संगवाऊँगी। और इस वाले पॉलिथीन में मुझे सारे खिलौने भरने हैं और इस बिस्तरे की तह बना कर रखूँगी और यहाँ पर झाड़ू लगवाऊँगी, क्योंकि जब दोनों खेलते हैं तो कुछ ना कुछ, और कागज़ मतलब कोई भी कॉफ़ी दे दो पुराने वाली, उसकी तो चीर फाट जल्दी से ही कर देते हैं दोनों बहन भाई। और बाहर तो बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है यहाँ इस कमरे में, और उस साइड में जहाँ पर वो दोनों खेलते हैं वहाँ पर मूँगफली के छिलके पड़े हुए हैं, वैसे यहाँ पर तो साफ़ सुथरा सही पड़, लेकिन जल्दी से झाड़ू लग जाए तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगली बार झाड़ू लगाने में, साफ़ सफाई करने में आसानी हो जाती है। और किचन भी हमारी साफ़ सुथरी है, हमने इसमें क्लीनिंग की थी दीपावली पर, ऐसे ही इसमें सारा सामान रखा हुआ है। ये देखिए बस यहाँ पर भी झाड़ू लगानी है मुझे और ये टाइल साफ करनी है, इन पे कपड़ा लगा देती हूँ तो फिर ये ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो चलिए अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वाले रूम की ही साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि गुड्डू के पापा उठकर फिर यहाँ पर बैठकर अपना काम करेंगे आराम से। और सबसे पहले भरेंगे इस वाली पन्नी में पॉलोथीन में ये वाले खिलौने, ये बड़ी है और सारे खिलौने इसमें आ जाते हैं, और ये वाला ट्रक भी आ जाता है इसका, और इसका एक पहिया भी निकाल दिया है। देखिए फिर पहिया ढूंढेगा और मुझसे पूछेगा मम्मी मेरे ट्रक का पहिया कहाँ है। मैंने कहा भाई मैं तो चलाती नहीं, तुम चलाते हो, देखो तुम ही कहाँ है तुम्हारे ट्रक का पहिया। और ये फाइटर प्लेन भी यहीं पर है। और भूलता नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी सामान जहाँ रखेगा उसे याद रहेगा कि वहां पर रखा हुआ है। आरुषि की भी यही बात है, दोनों बहन भाई कुछ नहीं भूलते। और इसकी मिनी कार भी है। और अब करते हैं ये वाला बिस्तर इकट्ठा है, और शुक्र है भगवान का पहिया भी मिल गया ट्रक का, नहीं तो भगवान देता पूरे घर में। जब खेलता है कोई भी चीज मिस हो जाए तो बोलता रहता है एक सांस में कि मेरा ये कहाँ है वो कहाँ है। तो ये वाला बिस्तर जो है एक्स्ट्रा है, यहाँ पर रख रखा है, दिन में बच्चा अगर खेलता खेलता हो जाए तो हम उसे उड़ा देते हैं। और देखिए पेंसिल भी है साथ में, ये सारी चीजें जो है उठाकर रखनी होती है संभाल कर। और पिताजी कभी छत पर लेट जाते हैं, यहाँ पर कमरों में कभी नीचे लेट जाते हैं जैसे उनका मन करे, तो ये भी इस तरह मैं अभी यहीं पर रखूंगी अंदर ही।
और ये वाले खिलौने मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, इन्हें भी अंदर ही रखूंगी स्टोर में। देखिए मैंने संगवा दिया है, कमरा संगवाने के बाद कितना खाली खाली हो गया है। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और यहाँ पर कपड़ा जो है मैं इन वाले कंप्यूटर और लैपटॉप में बाद में लगाऊंगी मेज में, क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी तो फिर धूल बैठ जाएगी, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेते हैं बाद में इन पे कपड़ा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है साफ सफाई अभियान शुरू हो चुका है। मैंने सोचा आज नीचे की क्लीनिंग थोड़ा सा लेट करेंगे, यहाँ पर तो कई दिनों बाद नंबर आता है साफ सफाई करने का, और आरुष भी अभी सो रहा था, नहीं तो वो जिद करके इतनी ठंड में बाहर निकल जाता। मैंने उसको उसके पापा के पास लेटा दिया था और मैं उनसे बोल कर आई थी कि मैंने इसको दूध पिला दिया है और मैं अभी छत पर जा रही हूँ ऊपर वाले कमरों में, आज मुझे क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर बच्चों ने जो है कागज़ भी फाड़ कर बहुत सारे घेर रखे थे और मूँगफली के छिलके, चिप्स के पैकेट, ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों ने यहाँ पर फेंक रखी थी। तो मैंने सोचा चलिए आज यहाँ की क्लीनिंग करते हैं, यहाँ पर तो हमें डेली ही काम करना होता है। तो सारे घर की मैं ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर की जो है सारे की क्लीनिंग करूँगी झाड़ू लगा कर। देखिए पोछा तो नहीं लगा सकते हैं, खुरदरा सा फर्श है, तो झाड़ू से भी वैसे साफ़ हो जाता है, और हमने दीपावली पर धोया था। हम जो है किसी भी तीज त्यौहार पर ही इसमें पानी डालकर धोते हैं, और पहले तो मैं इस कमरे में पोछा लगाती थी लेकिन उसमें पोछे में जो है बहुत ज़्यादा रेत ही रेत आ जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि चलिए झाड़ू ही लगा देते हैं। और मैंने बारीक बारीक से जो मोटे जाले लगे हुए थे वो भी सब साफ कर दिए हैं, और खुला मकान है और देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। सामने से कोई रुकावट तो है नहीं, पर्दे वगैरह हैं नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा मकान खुला हुआ पड़ा हुआ है, और बस इस रूम के ही गेट लगा हुआ है, बाकी सब ऐसे ही है। टेरेस पे झाड़ू गंदा हो रहा। देखिए सुबह का मौसम सुहाना, ठंडा, बर्फीला, एकदम मस्त झकास। सर्दी में सर्दी लगती है, कपड़े में घुस जाओ तो और ज्यादा लगेगी, अगर अपने काम में लग जाए तो कम लगता है, चलते रहते हैं, शरीर में गर्माहट रहता है। और अब मैंने सीढ़ियों पर झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है, ऊपर वालियों पे, और फिर मैं नीचे वालियों पे लगाऊंगी। और यहाँ पर भी बंदरों ने जो है बहुत बुरी कंडीशन कर रखी थी, कहीं पर रोटियाँ डाल देते हैं, कहीं से किसी का कुछ भी उठा लाते हैं, तो यहीं पर ममटी में बैठकर ये आराम से खाते हैं। फिर हम लोग जब देखते हैं सुबह के टाइम कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर आते हैं तो तब देखते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ऊपर वाली सीढ़ी पर मैंने झाड़ू लगा दी है, अब नीचे वाली सीढ़ियों पर साथ के साथ लगाएंगे, और सारा कूड़ा जो है इकट्ठा करके मैंने साथ के साथ एक पॉलीथीन पड़ी थी यहाँ पर उसमें डाल दिया है, और बस ये इस वाली सीढ़ियों का कूड़ा रह गया है छज्जे पे भी, और दूसरी तरफ मैंने टॉयलेट बाथरूम सब कुछ साफ़ कर दिया है। अब चलेंगे नीचे, नीचे देखते हैं जाकर क्या क्या हो रही तैयारी। मैंने सोचा नीचे तो जा ही रहे हैं, पोलोथीन हाथ में ले ली है और ये कूड़ा भी साथ में लेते जाओ। और बच्चे भी हमारे उठ गए हैं क्योंकि आवाज़ जो है आ रही थी, और आरुष पूछ रहा था बार बार मम्मी कहाँ है, बच्चा पूछता ही है, छोटा है अभी, ज़्यादा बड़ा तो हुआ नहीं है। उसे बोल दिया माँ ने कि तेरी मम्मी ऊपर साफ सफाई कर रही है। क्या खा के आए? चाय पी है? चाय पी कितनी? कितनी चाय पी? चाय कहाँ पी? दही खाई है ना? ठीक है, मैं गाने बजा दिया अभी। और देखिए जब तक मैंने ऊपर की क्लीनिंग की, यहाँ पर बच्चे भी उठ चुके हैं, उन्होंने भी नाश्ता कर लिया है, और अभी गुड्डू के पापा भी कर रहे हैं। मैंने देखा कि नहा वहा के पूजा करके यहाँ पर जनाब जो है नाश्ता कर रहे हैं, चाय ले रहे हैं, मक्खन और नमक की रोटी जो प्रीति ने अभी बनाई है। कितनी बड़ी ताकत ओ भाई साहब, बेशुमारी है क्या? कितनी बड़ी ताकत। तो देखिए अभी मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर दी है, और कितना मतलब साफ सुथरा और कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए सब संगवा दिया है। और हमारी ये चेयर जो है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 7-8 साल पुरानी है, तो अभी थोड़ी सी ख़राब कर दी है बच्चों ने भी, जैसे कहीं से फट जाती है तो उसका जो फाइबर होता है वो निकाल देते हैं वो लोग,
और एक घंटा मुझे पूरा लगा है यहाँ पर, एक डेढ़ घंटा। अभी भी ये देखिए कोहरा इतना का इतना ही है। उधर भी मैंने क्लीनिंग कर दिया है, सीढ़ियाँ भी, किचन भी, टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ साफ़ सफाई हो चुकी है सबकी। और अब मुझे करनी है वीडियो एडिट। बस यही था आज का हमारा क्लीनिंग का मॉर्निंग रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राम राम।